ऑल राइट, सो लास्ट क्लास तक हमने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के पास्ट पेपर्स और इसकी सारी एक्सप्लेनेशन जो है वो मुकम्मल कर ली थी। आज हम अपने अगले एरिया की तरफ जाते हैं, विच इज़ बेसिकली कैपिटल स्ट्रक्चर थेरीज। कैपिटल स्ट्रक्चर थेरीज क्या होती हैं, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं और हमें क्या क्या एरिया उसके अंदर कवर करना है, उससे पहले हमें एक छोटे से सब टॉपिक को मुकम्मल करना होगा। उसके बाद हम इवेंचुअली अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर की थेरीज के डिस्कशन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे डिस्कस करना है ऑल्टरनेट कैलकुलेशन ऑफ पीरियड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आज तक हमने जो कैलकुलेशन की है वो किस तरह से की है, सर? बड़ी सिंपल तरीके से की है। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इंटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट इंटू कॉस्ट ऑफ डेट अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। और ये जो हमारे यहाँ पे केडी हुआ करता था, दिस यूज टू बी पोस्ट टैक्स केडी, ये हम इस्तेमाल करते थे पोस्ट टैक्स केडी को, ठीक है? अगर प्री टैक्स होता है तो 1-t से इफ रिडीमेबल डेट के केस में मल्टीप्लाई करके जो है वो पोस्ट टैक्स केडी निकाला जा सकता है। रिडीमेबल डेट के केस में हमने डिस्कस किया था कि हमें सिर्फ और सिर्फ एक खास IRR वाले तरीके से ही पोस्ट टैक्स केडी को कैलकुलेट करना है। पहले हम वैक को कैलकुलेट करने का एक ऑल्टरनेट तरीका सीखते हैं और फिर इसी से हम लिंकेज क्रिएट करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर थेरीज की, ठीक है? तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल छोटी सी जो है वो कंसिडर करते हैं। एक है हमारे पास ऑल्टरनेट वन, ठीक है? दिस इज विदाउट टैक्स, इसके अंदर हम टैक्स की कोई भी बात नहीं कर रहे, ये हमारे पास विदाउट टैक्स वाली सिचुएशन है, ठीक है? वो किस तरीके से रहा? फॉर एग्जाम्पल लेट्स कंसिडर अ कंपनी, इस कंपनी का हमारे पास जो PBIT है, दैट इज द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, दैट इज 10,000, ये हमारे पास है 10,000 रुपए। एट द सेम टाइम इस कंपनी का जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है, इंटरेस्ट एक्सपेंस दिस इज बेसिकली 2,000, माइनस इसलिए लिखा है क्योंकि ये एक्सपेंस है। सर ये 2,000 रुपये कैसे आया? देखो इसका डेट है तकरीबन 20,000 का, इसका डेट है तकरीबन 20,000 का एंड द इंटरेस्ट रेट दैट वी हैव इज बेसिकली 10%, ठीक है? यानी जो केडी है, कॉस्ट ऑफ डेट है, दैट इज तकरीबन 10%। 2,000 रुपये का इस कंपनी का जो है वो इंटरेस्ट एक्सपेंस निकल के आता है, सही है? इक्विटी की जो सूरत हाल है, एज लाइक द इक्विटी मार्केट वैल्यू, इक्विटी की मार्केट वैल्यू है हमारे पास 50,000 की और डेट तो जाहिर हम वहां पे देख ही चुके हैं, डेट की जो मार्केट वैल्यू है हमारे पास दैट इज बेसिकली 20,000, ठीक है? यानी कुल मिला के कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है टोटल है वो 70,000 रुपये का, ठीक है? टोटल अगर मैं मार्केट वैल्यू निकालना चाहूँ तो इस कंपनी की टोटल मार्केट वैल्यू, अपनी जाती कंपनी की मार्केट वैल्यू 70,000 रुपये बनती है, सही है? एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। सर यहाँ पर अगर हमें केडी देखना हो तो केडी कितना है? केडी इज क्लियरली 10%, क्योंकि आपके सामने मार्केट वैल्यू है डेट की, ये 20,000, ठीक है? और 2,000 रुपये आपका इंटरेस्ट का एक्सपेंस है। क्लियरली स्पीकिंग योर केडी इज बेसिकली 10%, ठीक है? 10% आपका केडी है। सर यहाँ पे केई क्या है? क्या हम केई फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हैं सर। केई की सिंपल कैलकुलेशन हमारे पास होती है, केई इज इक्वल्स टू डिविडेंड अपॉन मार्केट वैल्यू, डिविडेंड अपॉन मार्केट वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे मेरे पास डिविडेंड देखूं एट द सेम टाइम, तो डिविडेंड मेरे पास कितना बनता है? सर 10,000 में से 2,000 रुपये मैंने इंटरेस्ट के माइनस कर लिए, टैक्सेशन नहीं है। पहली वाली बात के अंदर हमने कहा था दिस इज विदाउट टैक्स। सो 10,000 रुपये में से अगर 2,000 रुपये इंटरेस्ट माइनस हो जाते हैं तो बाकी सारा बचता है वो किसका है? वो इक्विटी होल्डर्स का है, यानी कि जिनकी ऑर्डिनरी शेयर्स हैं उनका है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो 80,000 रुपीज का डिविडेंड है, दिस डिवाइडेड बाई आर मार्केट वैल्यू ऑफ 50,000, दिस कैन गिव अस दी के। इसको डिवाइड करके देखते हैं, 8,000 डिविडेंड हमारा रिमेनिंग होगा 8,000 डिवाइडेड बाय 50,000, 8,000 डिवाइडेड बाय 50,000, दिस गिव्स अस के ई ऑफ 16%, ठीक है? 16% के हमारे पास यहाँ पे के ई जो है वो निकल के आती है। अगर हम कन्वेंशनल तरीके से अपना वैक कैलकुलेट करते हैं तो वो कैसे करेंगे? सर वैक कैलकुलेट करना बड़ा आसान है। अगर आप कन्वेंशनल तरीके से वैक कैलकुलेट करें तो आपके पास के ई भी है, के डी भी है, दोनों के हिसाब से कर लें। आपकी 50,000 रुपये की इक्विटी है, इस 50,000 रुपये के ऊपर जो के ई है दैट इज 16%, ठीक है? और आपका 20,000 रुपये का डेट है, इस 20,000 रुपये के ऊपर कॉस्ट ऑफ डेट इज 10%,
अपॉन टोटल कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है दैट इज 50,000 प्लस 20,000। तो आए जरा इसको कैलकुलेट करते हैं। सो टेक्निकली स्पीकिंग 50,000 का 16% बिकम्स 8,000 प्लस 2,000 डिवाइडेड बाय 70,000, ठीक है, 1/7। दिस गिव्स अस अ वैक ऑफ 14.285 या 14.29%, 14.285%, यू कैन से 14.3%, ठीक है। मोर और लेस इसको अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो 14.28, 14.3% हमारे पास जो है वो ये ओवरऑल लेवल पे वैक जो है वो बनता है। सर इसका ऑल्टरनेट हमारे पास क्या मौजूद है? अगर मैं आज इसका ऑल्टरनेट निकालना चाहूँ तो ऑल्टरनेट क्या मौजूद है? जरा इसका PNL ड्रॉ करते हैं। सर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स था हमारे पास 10,000 रुपये और हमारे पास इंटरेस्ट एक्सपेंस था एट द सेम टाइम 10,000 के बाद 2,000 रुपये, ठीक है। कुल मिला के हमारे पास 8,000 रुपये ओवरऑल लेवल पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचता था विच इज यूज फॉर गिविंग आउट डिविडेंड्स। एक तरीका यहाँ पे वैक को कैलकुलेट करने का ये बन सकता है कि वैक इज इक्वल्स टू PBIT यानी कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू, डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू। सर ये तो आपने जो कैलकुलेशन की हुई है उसके हिसाब से ट्राई करें, ट्राई करके देखें। 10,000 रुपये का आपका PBIT था और टोटल मार्केट वैल्यू, टोटल मार्केट वैल्यू कंपनी की मार्केट वैल्यू एट द सेम टाइम 70,000 रुपये थी। तो अगर मैं इस बेस पे कैलकुलेट करूं तो मेरे पास 14.28%, 14.285% का ही कैलकुलेशन निकल के आएगी। इसके अंदर सिर्फ एक छोटी सी अजम्पशन ये होती है, इसके अंदर एक छोटी सी अजम्पशन ये होती है कि जो आपका डेट है दैट इज इररिडीमेबल। यहां पर एक अजम्पशन हमारी ये होती है दैट द डेट इज इररिडीमेबल। सर ये क्या बात कर दी आपने, डेट हमेशा इररिडीमेबल तो नहीं होता, डेट तो कंपनीज के केस में रिडीमेबल भी होता है। देखो जिस कंपनी ने एक दफा डेट लिया हुआ होता है उसकी कोशिश ये होती है कि जब ये डेट वापस हो जाए, इसकी रीपेमेंट हो जाए, तो वो नया डेट ले लें ताकि बिजनेस चलाने के लिए एक नॉर्मल हालात में जो उनके पास कैश या रिसोर्सेस मौजूद है वो मौजूद हो। क्योंकि जाहिर है जब वो डेट की रीपेमेंट कर देंगे तब उसके बाद वो कोई नया प्रोजेक्ट करना चाहेंगे, कोई नई चीज करना चाहेंगे, तो जब इनके पास एक लोन लेने की कैपेसिटी मौजूद है तो कंपनी कोशिश करती है कि भाई थोड़ा बहुत फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर के अंदर आपके पास डेट मौजूद होना चाहिए। एक तरफा डेट जो है वो खत्म होता है तो फिर उसके बाद दोबारा उसे जो है वो ले लिया जाता है। एक कंडीशन हमारे पास ओवरऑल लेवल पे ये होती है और दूसरी हमने यहाँ पे ये कंडीशन ली हुई है, यही अजम्पशन ली हुई है कि हमारा जो डिविडेंड है, डिविडेंड इज 100% पे आउट। अगर ये दो अजम्पशन हम कहीं पे लेके चले, अगर ये दो अजम्पशन हम कहीं पे लेके चले तो हम इस वाले मॉडल से भी वैक कैलकुलेट कर सकते हैं। सर इसका एक ऑल्टरनेट फिर ये बनता है कि मार्केट वैल्यू अगर मुझे किसी कंपनी की निकालनी है और मेरे पास वैक मौजूद हो तो मैं PBIT अपॉन, इसको थोड़ा सा सही से लिख देते हैं, PBIT अपॉन वैक करूं तो मार्केट वैल्यू भी आ जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है, मार्केट वैल्यू भी आ जाएगी। यानी ये दोनों एरियाज, ये दोनों फॉर्मूले आपके लिए ऑल्टरनेट का रोल प्ले करते हैं। एक कन्वेंशनल फॉर्मूला ये था जो मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है और एक जो है वो ऑल्टरनेट फॉर्मूला हमारे पास ये वाला मौजूद है जहां पे हम वैक निकाल सकते हैं PBIT अपॉन मार्केट वैल्यू से, और अगर मार्केट वैल्यू गिवन है तो PBIT अपॉन वैक करके हम PBIT अपॉन वैक करके मार्केट वैल्यू निकाल सकते हैं, और अगर मार्केट वैल्यू गिवन है तो वैक निकालने के लिए PBIT अपॉन मार्केट वैल्यू कर सकते हैं। यानी हमें अलहदा अलहदा ही कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ेंगी। अगर हमारे पास प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, हमारे पास मार्केट वैल्यू है तो वैक निकल आएगा, अगर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है और वैक है हमारे पास तो मार्केट वैल्यू निकल आएगी। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है? जी भाई, एवरीबॉडी गेट्स इट? इस कॉन्सेप्ट में कोई सवाल ऑल्टरनेट कैलकुलेशन में? ऑल राइट, इफ द कॉन्सेप्ट इज क्लियर, इसको जो है वो कॉपी कर लें, फिर हम अपनी अगली चीज की तरफ बढ़ते हैं। ऑल राइट, सो यहां पे ये मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी है, ऑफ कंप्लीट कंपनी, ये हमारा एरिया जो है वो मुकम्मल होता है। अब सर हम ऐसी दुनिया में तो रहते नहीं है जहां पे टैक्सेशन ना हो, इसके अंदर टैक्स भी इंक्लूड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ये जो ऑल्टरनेट हमने एक पढ़ा है
विद टैक्स भी हमारे पास ऑल्टरनेट मौजूद है. सो नाउ वी हैव ऑल्टरनेट टू विद टैक्सेशन. सर विद टैक्स की भी कोई एग्जांपल बता दें कि ऑल्टरनेट टू विद टैक्सेशन कैसे होगा. आओ उसको समझते हैं. ऑल्टरनेट टू हमारे पास विद टैक्सेशन किस तरह से होगा, इसके लिए भी हमने एक एग्जांपल पिकअप की है. एग्जांपल हमारे पास ये है कि हमारा पीबीआईटी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इट इज 120,000. ठीक है. एट द सेम टाइम द इंटरेस्ट दैट वी हैव इज अबाउट 50,000. 50,000 का हम यहाँ पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं. कुल मिला के हमारे पास 70,000 रुपये बचते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की मद में. अब सर हम टैक्स पे करते हैं मान लीजिए एट द रेट ऑफ 30%, तो 70,000 का 30% बिकम्स 21,000. 21,000 रुपये का हम यहाँ पे टैक्स पे कर रहे हैं. 70,000 में से जब मैं 21,000 को माइनस करता हूँ तो मेरे पास बचता है 49,000. ये बन जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. एंड प्रैक्टिकली स्पीकिंग दिस नंबर इज अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड. अवेलेबल फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन. यहां पे भी हमारी अजम्पशन यही है कि 100% पे आउट रेशियो है. यही दो अजम्पशन हम यहां पे भी ले रहे हैं. हमने यहां पे यही अजम्पशन ली. डेट हमारा इररिडीमेबल है. एट द सेम टाइम डिविडेंड 100% पे आउट है. जिन कंपनीज में 100% डिविडेंड पे आउट नहीं होता उनकी मार्केट वैल्यू उसके हिसाब से इंक्रीज कर जाती है. सो बहरहाल ये चीज अप्लाई वहां भी होती है, लेकिन समझने के लिए हम फिलहाल अजम्पशन ये ले रहे हैं कि डिविडेंड का जो है वो 100% पे आउट मौजूद है. ठीक है. और हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या मौजूद है यहाँ पे सर? और इन्फॉर्मेशन ये है कि हमारी इक्विटी की जो मार्केट वैल्यू है, इक्विटी की जो मार्केट वैल्यू है दैट इज 272,222, एंड एट द सेम टाइम डेट की मार्केट वैल्यू इज 50,000 या 5,00,000. सर 5,00,000 रुपए के ऊपर 50,000 इंटरेस्ट आपने पे किया है, यानी कि यह है 5,00,000 इंटू 10%. ये 5,00,000 इंटू 10%, यानी मुझे समझ में आ गया कि इधर जो मेरी केडी बनती है दैट इज 10%, बट दिस इज प्री टैक्स. ठीक है, प्री टैक्स है ये. पोस्ट टैक्स अगर मैं इसको देखूं 30% के इफेक्ट के साथ तो ये 7% का नंबर रह जाएगा. ठीक है, अगर मैं इसको 1-t करता हूं 7% हो जाएगा पोस्ट टैक्स. सर आपने तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया. इररिडीमेबल के केस में डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया जा सकता है, ये पिछले लेक्चर्स में हमने ये चीज देख ली है. ठीक है. सो अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम यहाँ के ई फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर, के ई फाइंड आउट कोई मसला ही नहीं है. के ई इज इक्वल्स टू डिविडेंड अपॉन मार्केट वैल्यू. ठीक है, इक्विटी की मार्केट वैल्यू हमें दी हुई है, डिविडेंड दिया हुआ है. डिविडेंड कितना है सर? 49,000 हमने पे किया है डिविडेंड, और मार्केट वैल्यू है हमारे पास 272,222. तो हमारा के ई क्या निकल के आएगा यहाँ पर, आइए डिवाइड कर लेते हैं. 49,000 डिवाइडेड बाय 272,222 दैट मेक्स इट 18%. यानी हमारे पास राउंड के ही आया 18% का. सर क्या हम वैक फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पे? बिल्कुल हम फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर मुझे यहाँ पे कन्वेंशनल तरीके से वैक कैलकुलेट करना हो तो मैं कैसे करूंगा? सर मेरे पास इक्विटी की मार्केट वैल्यू है, बिल्कुल है, 272,222 इंटू 18%, ये एक होगा. इसके अलावा 5,00,000 इंटू 10% या 10% की बजाय 7% पोस्ट टैक्स करेंगे हम इसको, 7% डिवाइडेड बाय 272,222 प्लस 5,00,000. ठीक है, कुल मिला के हमारे पास ये नंबर बन गया. हाँ, इसका वैक कैलकुलेट करते हैं. 272,222 इंटू 18% प्लस 5,00,000 इंटू 7% दैट मेक्स इट 35,000, एंड 272,222 प्लस 5,00,000. ठीक है जी, कुल मिला के हमारा ये जो यहाँ पे वैक बनता है दैट बिकम्स 10.877 या 10.88%. 10.88%. दिस इज द वैक ऑफ कन्वेंशनल.
सर ऑल्टरनेट क्या है, ऑल्टरनेट किस तरीके से यूज किया जा सकता है और कैसे इसको कैलकुलेट किया जा सकता है? देखो ऑल्टरनेट तरीका हमारे पास यह है बेसिकली दैट वैक इज इक्वल्स टू पीबीआईटी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन वन माइनस टी अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी। जैसे हमने वहां पर देखा सिर्फ और सिर्फ जिस चीज को हमने यहाँ पे ऐड किया है वो ये वन माइनस टी का फैक्टर है, पीबीआईटी को वन माइनस टी से हमने मल्टीप्लाई करवा दिया है। आइए इसको प्रूव करते हैं। सर इस केस में हमारा पीबीआईटी कितना था? 120,000 था, ठीक है। इस 120,000 को 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 माइनस 30% अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ अगर कंपनी देखें तो हमें यहां पे प्रोवाइडेड थी दैट बिकम्स 272,222 प्लस 500,000। सर कैलकुलेशन परस्पेक्टिव से हमारा वैक कितना आ जाता है? 120,000 इंटू 70% अपॉन 272,222 प्लस 500,000। दिस गिव्स यू 10.88%, 10.88%, दिस गिव्स यू 10.88%। तो सर क्या इसी तरीके से हम इसको थोड़ा सा टर्न करके ऐसे कर सकते हैं कि मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी इज इक्वल्स टू पीबीआईटी इंटू वन माइनस टी अपॉन वैक? बिल्कुल आप ऐसे ही कर सकते हैं। अगर मार्केट वैल्यू मौजूद है और पीबीआईटी पता है, टैक्स रेट पता है, तो वैक निकाला जा सकता है। और अगर इसी तरीके से आपके पास वैक मौजूद है, पीबीआईटी मौजूद है, वन माइनस टी मौजूद है, तो आप मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी जो है वो बहरहाल निकाल सकते हैं। ये दोनों चीजों को आपस में साथ में किया जा सकता है। अगर ये बात समझ आती है इसको कॉपी कर लें, कॉपी करके डन लिखें, फिर हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं।